हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल GI26। मेरे चैनल GI26 में आपका स्वागत है। और आज मॉर्निंग में व्लॉग बनाने का मन था तो मैं सुबह उठी और अभी नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ। और मुझे ये लग रहा था ना कि कई दिन से व्लॉग मैं शूट कर रही थी और हाफ शूट हो रहा था, यानी 3-4 क्लिप शूट करती थी, उसके बाद जब शाम को एडिट करने बैठती थी तो वो जो है व्लॉग कंप्लीट नहीं होता था, मतलब उसमें कुछ एंडिंग जैसा नहीं लगता था। तो इस वजह से वो व्लॉग मैं रोज़ डिलीट कर दे रही थी। तो आज मैंने मॉर्निंग में व्लॉग बनाने का सोचा। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है कि मेरा जो YouTube है वो एकदम उसका ग्राफ डाउन चला गया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगी स्क्रीन पे लगा के कि उसका ग्राफ कैसे डाउन चला गया है। और जबकि मैं डेली पर डे वीडियो जो अपलोड करती हूँ वो कर रही हूँ और शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ। रैंडम मैं पहले भी करती थी, रैंडम शॉर्ट्स मैं अभी भी अपलोड कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जो है ये ऐसा हो रहा है। और तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पे फिर से मुझे YouTube पे और सिंसियरली वर्क करना चाहिए। तो आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैं कितना भी वीडियोस अपलोड करती रहूँ लेकिन आप लोग का सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्टिंग मी। तो जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे थे वैसे सपोर्ट करते रहिए। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 100K का मैं वेट कर रही हूँ और वो जैसे एकदम ब्रेक लग गया है 100K में। तो प्लीज़ ऐसा न करिए कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 100K ना होने पाएँ। और अभी जो है अभी स्कूल नहीं गई हूँ, आज जल्दी थोड़ा सा उठी हूँ और उसके बाद में आप लोग से बात करना था। और पूजा कर लिया है, जल चढ़ा दिया है मैंने। और जल चढ़ाने के बाद अभी जा रहे हैं नीचे, तैयार होंगे तो अभी तैयार नहीं होंगे, अभी थोड़ा प्लानर वगैरह लिखेंगे, थोड़ा रीडिंग करेंगे, 6 बजे से रेडी होना शुरू करेंगे। अभी 6 नहीं बचा है, अभी 5:30 बजा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं 4:45 बजे उठ गई थी। और चलते हैं नीचे, कुछ प्लानर वगैरह रेडी करते हैं। पूजा करने के बाद आके बैठ गई हूँ अपने प्लानर पे, अपना पूरा दिन का काम लिखने की मुझे क्या क्या करना है। तो जब देखा तो इसमें पेजेस ख़त्म हो गए थे, तो सबसे पहले चलते हैं इसके पेजेस काट के और इनको लगाने। तो पेजेस मैंने काट लिए हैं और काटने के बाद अब इनमें पंच करना पड़ेगा। तो मेरे पास 3 पंच या 6 होल पंच नहीं है, तो मुझे सिंगल सिंगल पंच का निशान लगाना पड़ता है और उस निशान के हिसाब से मुझे काटना पड़ता है। और ये कंगारू का पंच है और सिंगल पंच, डबल वाला भी है मेरे पास, बट 3 होल वाला जो है वो मेरे पास नहीं है। तो ये सिंगल होल वाले से ही मैं पूरा इसको पंच करूँगी और पंच करने के बाद पेपर सारे इंसर्ट करूँगी। तो जब भी मैं पंच करके और पेपर लगाती हूँ तो मैं लगभग 10-12-15 दिन के लिए पेपर लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर वेट ज़्यादा हो जाता है डायरी का। तो बस जितने ज़रूरत होते उतने लगाती हूँ और 1 मंथ के 1 बार में रखती हूँ। और फिर जब मंथ कम्प्लीट हो जाता है तो वो पेजेस निकाल के मैं दूसरे प्लानर में रख देती हूँ और न्यू मंथ के लिए न्यू पेजेस लगा लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा बल्की नहीं होने पाता है मेरा प्लानर। और प्लानर लिखने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है ना कि मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको पता है कि उन चीज़ों को हमें कब कब करना है और उस हिसाब से जब हम लिख लेते हैं ना तो कुछ भी काम पेंडिंग नहीं रहता, आप एकदम अप टू डेट रहते हैं, एकदम आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपका काम है, कम समय में और ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि आपके अपने प्लानर में दिखेगा ना कि यहाँ पे ये काम रह गया है, इसको करना है। तो इसमें वो जो ईट दैट फ्रॉग वाला है कॉन्सेप्ट वो भी काम आता है क्योंकि जब आपका लिखा रहता है तो सारी चीज़ें जिस सीक्वेंस में आपको करनी है आप उस सीक्वेंस से भी कर सकते हैं, या फिर जो आपका सबसे अर्जेंट काम है उनको कर लीजिए पहले। तो बहुत तरह के मैनेजमेंट सिस्टम हैं, तो आप उनमें से किसी भी सिस्टम को यूज़ करके अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मेन मुझे ये था कि मेरा जो दिनचर्या है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी,
और वो रूटीन में आ ही नहीं रही थी। तो और प्लानर तो मैं लिख रही हूँ रेगुलर, बट जो है फिर भी चीज़ें जो जितनी रूटीन में मेरी रहती थी उतनी रूटीन में रह नहीं गई थी। तो मुझे लगा कि कुछ तो मतलब फिर से मुझे एक नई एनर्जी के साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए। और नई स्टार्टिंग के लिए कोई भी दिन नहीं फिक्स होता कि हाँ इस दिन से करेंगे, क्योंकि ये एक बहाना होता है चीज़ों को टालने के लिए। तो आपको जब भी लगे कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में अब चेंज चाहिए या मुझे अपनी लाइफ में और प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो आप उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। तो प्लानर यूज़ करते करते मुझे लगभग हो गया है 4-5 साल पूरे होने को हैं। 4-5 साल से मैं प्लानर यूज़ कर रही हूँ, और प्लानर यूज़ करते करते काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी सीखी कि क्या चीज़ प्लानर में करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो किसी दिन इसका वीडियो अलग से बनाऊँगी, बट आज जो है सिर्फ मॉर्निंग में जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वही आपके सामने हैं। और तो प्लानर मैंने लिख लिया है, और मैं वाटर इनटेक का काफ़ी ध्यान रखती हूँ, और वाटर इनटेक को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो काफ़ी रोग जो है काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इससे ख़त्म हो जाती हैं कि हम पर्याप्त पानी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। तो अब इसको लिखने के बाद मुझे इसको लिखने के बाद मुझे अब बुक पढ़नी है। तो जो भी सेवर्स के रूटीन होते हैं, यानी कि जो मैं सेवर्स का रूटीन यूज़ करती हूँ अपनी दिनचर्या को फिट रखने के लिए, मॉर्निंग को फिट रखने के लिए, तो वो मैं इसमें लिख लेती हूँ। और अब नंबर है रीडिंग का, तो रीडिंग करते हैं। और रीडिंग करने में रीडिंग मैं सिर्फ करती नहीं हूँ, रीडिंग के साथ साथ जो भी चीज़ अगर कुछ मुझे इसमें अच्छी मिलती है, तो मैंने अपने प्लानर में एक पॉजिटिव कोट का कॉलम बना रखा है, एक सेक्शन बना रखा है जिसमें मैं एक पॉजिटिव कोट पर डे लिखती हूँ। तो वो कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो आपका मोबाइल से मैंने देख लिया हो, पिंटरेस्ट से मैंने देख लिया हो, या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे कोई कोट आया हो, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए। उससे उसको पढ़ने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, या एक लगना चाहिए कि हाँ ये आपकी लाइफ को ये चेंज कर सकता है कोट। तो इस तरह के कोट को मैं लिखती हूँ। तो बुक पढ़ते समय अगर कोई कोट मुझे मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर जो है उसको अपने प्लानर में लिखूँगी। तो बात कर ही रही थी तो मुझे एक मिला कोट, जो मैं यहाँ अपने पॉजिटिव कोट सेक्शन में नोट डाउन करूँगी। तो इस तरह से मेरे प्लानर के हर पेज पे, मतलब हर डे पे एक पॉजिटिव कोट मिल जाएगा। और दिक्कत तब होती है जिस दिन मैं प्लानर नहीं हूँ उसकी 2-3 दिन, कभी कभी ऐसा बीत जाता है कि मैं 2-3 दिन तक प्लानर छूती तक नहीं हूँ, और मुझे ख़राब लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऊपर नीचे वाले दिन आते रहते हैं कि हाँ जब आप लो फील कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं बस पड़े रहो कुछ मत करो, तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो दिन हमेशा रहते हैं, 1-2 दिन खुद को रेस्ट दिया या खुद को मोटिवेट किया, और उसके बाद में फिर अपने रेगुलर कार्यों में लग गए और नई ऊर्जा के साथ। तो पॉजिटिव कोट यहाँ उतारने के बाद में अब आगे रीडिंग बंद करूँगी, क्योंकि अब रेडी होने का समय हो रहा है, क्योंकि स्कूल भी जाना है, तो स्कूल के लिए अब तैयार होना है। तो कुछ जो है प्लानर को डेकोरेट कर देते हैं, क्योंकि डेकोरेशन से वो जब पेज आप खोलते हैं ना, तो आपको बहुत ही एक अट्रैक्शन होता है उससे, और प्लानर को यूज़ करने का जो समय है और जो एक एडिक्शन है वो बढ़ जाता है। तो चल दिए अब स्कूल, और स्कूल पहुंच के फिर क्या क्या होता है आपको दिखाते हैं। तो अभी आ चुके हैं स्कूल में, और इस समय क्लास की हालत में दिखा दे रही हूँ कि क्या है, क्योंकि डेकोरेशन का काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो
चलते हैं, दिखाते हैं आपको। आज में ये देखिए मैंने नंबर ट्रेन बनाई है, प्लस ये जो मेरे पोस्टर्स थे कहानी वाले पोस्टर, इनको थोड़ा डेकोरेट करके लगाया है। ये फल लगाएं, अभी नीचे की ओर डेकोरेशन करना है। और मैंने ये जो फ्लावर पॉट्स थे इनमें मैंने ये बड़े बड़े सनफ्लावर्स लगाए हैं, जो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये यहाँ पे TLM कॉर्नर बनाया हुआ है, और ये यहाँ पे दो चार्ट ऐसे लगाए हैं, तो इसको मैं बताऊँगी कि इसमें मुझे क्या करना है, किस लिए मैंने इसको लगाया है। अभी ऊपर का डेकोरेशन यहाँ बाकी है, तो मैं सोच रही थी फुल डेकोरेशन हो जाएगा तब आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने दो डॉल हाउस बनाए हुए थे, तो अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो मैंने निकाल दिया है, तो मैंने लेकिन उसका वीडियो बना के रखा हुआ है कि किस तरह का डॉल हाउस मैंने बनाया था साड़ी से, तो वो मैंने उसका शॉर्ट भी डाला हुआ है, तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरह का यहाँ पे डॉल हाउस मैंने बनाया हुआ था। और ये इधर रीडिंग कॉर्नर है, जिसको भी मतलब अब रिन्यू करना है, ये बहुत पुराना टाइप का लगने लगा है। और एक ये दीवार, तो इतना अभी काम रह गया है, और इधर इतना काम मैंने कर लिया है नीचे की दीवार का, और ऊपर वहाँ पे, और ये इस तरफ ये पूरा काम अभी करना बाकी है। तो अभी ऐसे ही काम चल रहा है, लेकिन अभी इसको भी ठीक करेंगे। तो अभी आ चुके हैं घर, और आपने देखा कि कैसे मेरे क्लास में चीज़ें मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वहाँ हो चुकी थी, मतलब वही चीज़ें बार बार देखते देखते बोरिंग हो गई थी, तो इसलिए सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रही हूँ। और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, अभी दो वॉल रह गई हैं वहाँ पे भी अभी चेंज करना है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ कि और मैं चेंज में क्या मुझे करना है। तो ये मेरे रूम में जो है ये बॉक्स रखा है, जिसमें मैं अपना सारा जो स्कूल का काम वो कर रही हूँ। तो ये देखिए उसी सनफ्लावर की लीव जो है बची हुई है, कुछ ब्राउन पेपर बचे, तो जो सनफ्लावर काटने से ये कटिंग बची हुई है ढेर सारी, तो मैं सोच रही हूँ कि इनका छोटे छोटे सनफ्लावर काट लूँ, ऐसी लीव छोटी छोटी काट लूँ, और उनको जो है ब्लैक बोर्ड के चारों ओर लगा दूँ, क्योंकि अभी ब्लैक बोर्ड के चारों ओर डेकोरेट नहीं हुआ है, तो जो ब्लैक बोर्ड का बॉर्डर है उसको भी डेकोरेट करना है। तो ये जो कटिंग बची है इनके छोटे छोटे फ्लावर्स काट के ब्लैक बोर्ड के चारों ओर लगाऊंगी। तो इस तरह से चेंज हो रहा है चीज़ें। और अभी स्कूल से आई तो थोड़ा सा जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है वो करूँगी, और उसके बाद में फिर वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।